हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन योर चेतना और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेकअप ट्यूटोरियल, शॉपिंग हॉल्स और कुछ ब्यूटी के हैक्स। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्लिंग बैग हॉल, जो कि मैंने मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और जेबोंग से परचेस करे हैं। सो गाइज, ये जो स्लिंग बैग है बहुत ही अफोर्डेबल है, इनका जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा है और यू नो अभी समर आने वाले हैं तो वेकेशंस भी हैं तो सब लोग जो है कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं तो एक स्लिंग बैग की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 5 to 6 स्लिंग बैग्स जो हैं वो लेकर आई हूँ, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अभी किस टाइप के स्लिंग बैग जो हैं वो ट्रेंडी हैं और साइज के अकॉर्डिंग आप लोगों को किस टाइप के स्लिंग बैग जो हैं परचेस करने चाहिए। सो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कौन से स्लिंग बैग दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको स्लिंग बैग दिखाने जा रही हूँ वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, वो है बैगेट का और ये लेदर है और इसका प्राइस जो है मैंने 1000 से बिलो पे किया है, आई थिंक 900 समथिंग का है, आपको प्राइस स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो इसका जो मटेरियल है वो सिंथेटिक लेदर है बट इतना सॉफ्ट मटेरियल है और इसको जब ओपन करती हूँ मैं तो इसके अंदर एक बिग कंपार्टमेंट आता है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, और एक छोटा सा स्मॉल कंपार्टमेंट भी आता है जैसे कि सारे हैंडबैग के अंदर आता है वैसा, और साइड में एक जिप भी आती है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए आपको जिप दिख रही होगी और पीछे की साइड में एक और अलग से जिप आती है छोटी सी, आई थिंक इसमें आप अपना हैंकी रख सकते हो, इतनी ही स्पेस की जिप होती है। तो इसका जो मटेरियल है मुझे बहुत अच्छा लगा और यू नो बैगेट के स्लिंग बैग जो है उनकी प्राइस 1200 के आसपास स्टार्ट होती है बट अच्छे खासे डिस्काउंट में मुझे ये जो है 900 समथिंग का मिल गया है, मैं आपको प्राइस जो है स्क्रीन पर दिखा दूंगी। तो मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया है, मैं आपको रिकमेंड भी करती हूँ कि आपको ये वाला स्लिंग बैग जरूर परचेस करना चाहिए क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग और ब्रांड के अकॉर्डिंग और लेदर के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट स्लिंग बैग है। नेक्स्ट जो मैं आपको स्लिंग बैग दिखाने जा रही हूँ वो मैंने परचेस किया है अमेजोन से, और आप अगर कोई फंकी लुक समर के अकॉर्डिंग या वैकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं घूमने जाते हो और फंकी लुक का स्लिंग बैग देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वाला स्लिंग बैग आप जरूर परचेस करें। और इसका जो ब्रांड है वो केलो है और इसकी जो ये जो ओपन करने का है वहाँ पे सिंथेटिक लेदर आता है अगेन ये, और इसके अंदर एक बड़ा कंपार्टमेंट आता है आप देख सकते हैं और स्मॉल जिप है यहाँ पे जैसे कि लास्ट वाले बैग के अंदर थी इस टाइप से, और पीछे की साइड में इसमें कोई जिप नहीं है और इस तरीके का फंकी मटेरियल का क्लोथ आता है बट इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बहुत अच्छी है। गाइस, इसका प्राइस आई थिंक 1000 समथिंग है बट अगेन ये जो है अमेजोन पे हमेशा, मैंने इसको काफी टाइम से मैं इसको सर्च कर रही हूँ तो ये हमेशा 600 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा, मैंने इसका शायद 580 रुपीज पे किया, आपको प्राइस जो है स्क्रीन पर दिख जाएगा। सो मेरे को ये ओवरऑल बैग जो है बहुत अच्छा लगा, वेकेशन के अकॉर्डिंग, फंकी लुक के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ में जो है ये स्ट्रैप आती है, ये स्ट्रैप का जो मटेरियल है इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट मटेरियल है गाइस, मुझे बहुत बहुत पसंद आया है। ये फोल्ड है, मैं आपको हैंग करके दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो और ओवरऑल ये जो बैग है वो बहुत ही अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग, लुकिंग के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है। अगर आप कोई फंकी लुक का बैग देख रहे हैं तो बेशक आप अमेजोन से इस टाइप का बैग परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको स्लिंग बैग दिखाने जा रही हूँ वो एक ब्राउन कलर का स्लिंग बैग है, ये मैंने परचेस नहीं कराया गाइज, ये मुझे कलर बैग के कॉस्मेटिक के साथ में मुझे मिला था। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इस टाइप का स्लिंग बैग जो है एज ए पाउच आप यूज कर सकते हो, एज ए स्लिंग बैग आप यूज कर सकते हो अगर कहीं वेकेशन के लिए जाते हो तो ये इस टाइप का है, ये ऐसे ओपन होता है और इसमें एक बड़ी सी जिप आती है और इसके साथ में ये इस टाइप से चेन आती है, आप इसको हैंग कर सकते हो, और अगर आपको हैंग नहीं करना है तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड भी आप कैरी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका मटेरियल भी लेदर है, बहुत ही अच्छा है, आई थिंक ये 1200 के समथिंग तो होगा ही बट मुझे कलर बैग के कॉस्मेटिक के साथ में फ्री मिला था अप्रॉक्स 2 ईयर पहले जब मैंने अपने कॉस्मेटिक परचेस करे थे, बट मैंने सोचा आपको इसका रिव्यू दे दूं। तो आप कभी भी कलर बैग के प्रोडक्ट आप परचेस करते हो सेलर से, ऑनलाइन नहीं मैंने सेलर से परचेस किए थे, तो आप इस टाइप का बैग वहां से ले सकते हो। नेक्स्ट जो बैग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लिनो पेरास का ये बैग, और ये जो बैग है मैंने 3.5 ईयर पहले लिया था, लिया भी नहीं था, मुझे गिफ्ट में मिला था, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मुझे अभी तक 3.5 ईयर हो गए हैं इसको यूज करते हुए बट अभी तक ये खराब नहीं हुआ है, और ये इस टाइप से
इसके फैंसी पर्ल टाइप, छोटे पर्ल बोल सकते हैं, वो उस टाइप का ये इसका लुकिंग है। ये पार्टी वियर हैंडबैग है, स्लिंग बैग है, और इसको ऐसे ओपन करते हैं और यहाँ पे कंपार्टमेंट, एक बड़ा कंपार्टमेंट आता है और एक साइड में जिप आती है, आप लोगों को दिख रही होगी, ये इस टाइप से ये जिप आती है और एक बड़ा कंपार्टमेंट आता है। ये थोड़ा हार्ड लेदर है, हार्ड लेदर मतलब कि सॉफ्ट लेदर नहीं है। अच्छा बैग है ये पार्टी वेयर के अकॉर्डिंग, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3.5 ईयर से मैं यूज कर रही हूँ, तो अभी तक ये अच्छी क्वालिटी का है। तो ये मुझे गिफ्ट में मिला था, तो मेरे पास था ये बैग, तो मैंने सोचा इसका भी रिव्यू कर दूं। और हाँ, ये बैग जो है अमेजोन, मिंत्रा, जेबोंग तीनों पर अभी तक अवेलेबल है, और अप्रॉक्स 1500-1600 के आसपास ये होगा। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 2000 अप्रॉक्स है, और डिस्काउंट के अंदर आपको 1400-1500 ही मिलेगा, क्योंकि मैं इसको 3 साल से मिंत्रा, अमेजोन, जेबोंग पर देख रही हूँ, तो ये 1400-1500 से नीचे नहीं जाता है। बट ये बहुत अच्छा बैग है, अगर आप पार्टी वेयर स्लिंग बैग देख रहे हो तो ये जरूर आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को हैंडबैग दिखाने जा रही हूँ वो है लावी का। ये क्यूट सा हैंडबैग है, और अगेन ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। बहुत ही क्यूट छोटू सा है ये, बट हाँ इतना भी छोटा नहीं है, आप अपने सामान नहीं रख सको, आराम से रख सकते हो। तो ये ऑरेंज कलर का बैग है, और पीछे इसके जिप आती है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप इसको इस टाइप से ओपन कर सकते हैं, और इसके अंदर एक बड़ा सा कंपार्टमेंट आता है जिसमें आप अपने सामान इजीली रख सकते हो, और इजीली आप बाहर भी निकाल सकते हो। बहुत बड़ा है, और इसका जो शेप है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ उसी शेप में रहता है, इस टाइप से फोल्ड वगैरह नहीं होता है क्योंकि ये हार्ड लेदर का है। बट हाँ, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यू नो इस टाइप के स्लिंग बैग जो है वो 1200-1500 के आसपास मिलते हैं, बट मुझे डिस्काउंट के अंदर ये 880 या 900 समथिंग का मिला है, आपको प्राइस स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो ये काफी अच्छा बैग मुझे लगा है, और आप इस तरह के हार्ड लेदर के और इस टाइप के बैग देख रहे हो तो बेशक आप फ्लिपकार्ट से ये बैग परचेस कर सकते हो। मुझे ओवरऑल ये बहुत बहुत अच्छा बैग लगा। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कैप्रीज का ये ग्रे कलर का बैग है। यू नो इसकी जो इमेज दिखा रखी थी वो इतनी बड़ी दिखा रखी थी, बट ये जो मुझे रिसीव हुआ है आप देख सकते हैं कितना छोटू सा बैग है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट गाइस 1000 के अंदर इसकी जो साइज है वो बहुत छोटी है, और एक ही कंपार्टमेंट आपको मिलता है, और जहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट का बैगेट का बैग आपको दिखाया वो 984 रुपीज का है, और उसमें आपको बड़ा बैग रिसीव हो रहा है। तो क्वालिटी अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग अमेजोन ने धोखा कर दिया मेरे साथ में, साइज बहुत छोटा दिया है। सो गाइज प्राइस के अकॉर्डिंग इसका साइज जो है बहुत छोटा है। सो गाइज इतने प्राइस में तो आपको और भी स्लिंग बैग मिल सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला बैग जो है आप मत परचेस करना। सो गाइज ये था मेरा एक स्लिंग बैग हॉल वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो जैसा कि आप लोगों को पता है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। सो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप समर के स्पेशल कोई भी क्लोथ या कोई भी एसेसरीज वगैरह कुछ भी देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आप लोगों के लिए समर की जो भी स्पेशल चीजें होती हैं वेकेशन के अकॉर्डिंग वो सब कुछ लेकर आऊंगी गाइज। सो थैंक यू गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।